भाई की तरह है मेरे, मतलब मेरे ऑफ कोर्स 3 साल ही वाज प्लेइंग माय यंगर ब्रदर, आई वाज हिज एल्डर ब्रदर, सो वो इट फ्लोज इनटू योर लाइफ आल्सो. देन सडनली वी वर इन काला, आई वाज प्लेइंग अ विलन, ही वाज द हीरो. तो 10 मई 2009 भाई साहब मैंने एक एड कमर्शियल शूट किया था. ऑडिशन तो मेरा बड़ा लंबा चौड़ा हुआ था, बड़े मतलब स्क्रिप्ट वगैरह थी, बट अल्टीमेटली मैं कास्ट हुआ जो मेन लड़की थी उसके पीछे खड़े होने के लिए. जिन आई मीन यू नो होता क्या ना, डायरेक्टर्स एक एक्टर की लाइफ में एक पेरेंट की तरह आते हैं, वो आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह जान लेते हैं, जी राइट? सो उनके साथ ऐसा है कि मतलब दोस्ती रही है और मैं काफ़ी फॉर्चुनेट रहा हूँ, ठीक है. मैं एयरपोर्ट से निकला बाहर, जी बैंक के थ्रू ही आया था, 2 सूटकेस के साथ आया था. तो जो भी मैंने आज जहाँ पे भी हूँ मैं, एंड इफ लेट्स से आई हैव योर टाइम हेयर एंड यू आर सिटिंग विद मी एंड टॉकिंग टू मी, दिस इज ऑल आई हैव अर्नड. अनफिल्टर्ड बैंक है वाला ना बंदा, बंदा, अनफिल्टर्ड है। बैंक वाले बंदे के क्या ड्रीम्स नहीं होते? हाय, नहीं, माय नेम इज जितिन गुलाटी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बजूका. नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रिया मिश्रा और आप देख रहे हैं बजूका। एक्टर कौन होता है? एक एक्टर वो होता है जो अपने काम से आप सबको अचंभित कर दे। एक ऐसा ही शख्स आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे जिन्होंने अपने काम से सबको अचंभित कर दिया है, चाहे वो काला में हो और चाहे वो मुंबई मेरी जान में हो। सबसे पहले तो जितिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है बजूका पर। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच प्रिया, इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन. आई एम वेरी हैप्पी बीइंग ऐसे होता हियर. है मेरा इंट्रोडक्शन हर बार, और आपका तो काफी ज्यादा स्पेशल था। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक्टिंग का सफर कैसे स्टार्ट हुआ? मतलब एक बैंक वाला बंदा आके अब एक्टर बन रहा है, मुझे ये जानना है। अनफिल्टर्ड बैंक है वाला ना बंदा, बंदा, अनफिल्टर्ड है। बैंक वाले बंदे के क्या ड्रीम्स नहीं होते? हाँ. नहीं, अब पहले ही लाइफ सेटल होती है भाई, हम बैंक में जॉब कर रहे हैं, सब कुछ ऐसा चलेगा, और अब कौन जाए इतनी दूर तक। मतलब सफर हो जाता है ना एक्टिंग तो हाँ, सफर। सेटल होती है काफ़ी या स्टेबल, मतलब एक्चुअली मैं आजकल ना कुछ स्टेबल या सेटल होता नहीं है. देख के लगता है दूर से कि बैंक का लाइफ सेटल है, बट वहाँ पे भी बहुत कंपटीशन है. बट हाँ, अगर आपके सपने कुछ और हो, अगर आप कुछ और करना चाहते हैं ज़िंदगी में, देन यू हैव टू गो अगेंस्ट द टाइड एंड मेक योर चॉइसेस. सो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एन एक्टर, सो आई वॉज इन द बैंक बट ट्रेनिंग टू बी एन एक्टर. एंड एज सून एज द अपॉर्चुनिटी केम, विच केम आफ्टर 9 ईयर्स, आई मूव टू बॉम्बे एंड करियर शुरुआत हो गया. ना, आपकी और मेरी स्टोरी ना मुझे सेम सेम ही लगती है। मेरे मेरे जो पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, डॉक्टर जैसा तो मेरे अंदर है ही नहीं, गुड है ही नहीं। मतलब आप इतना बकबक करते हो और आप डॉक्टर कैसे बनोगे? मतलब होता है ना, पढ़ाई में आपका दिल ही नहीं है। डॉक्टर बकबक कर सकते हैं यार. कर सकते हैं, लेकिन होता है ना कि यार, माइंड आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या। साइंस तो मुझे दिला दिया, पैसे भी खर्चे हो गए, बचपन से ही था भाई बनना है तो जर्नलिस्ट बनना है, वरना कुछ यही करना ही नहीं है। डॉक्टर विक्टर मेरे से तो नहीं होगा, आपको ये पक्का था था कि आपको जर्नलिस्ट बनना है? पक्का था मेरे कि मेरे को जर्नलिस्ट ही बनना है, मुझे नहीं जाना है। मैंने पैसे डुबा दिए लेकिन खुशी खुशी। आपका भी ऐसा ही था? अभी वो खुश है? अभी वो खुश तो अभी भी कहते हैं कि मेरे पैसे डुबा कर ये कर रही है, ये पहले जॉब ही कर बता रही देती. है। पहले नहीं, सब पता था उनको, जबरदस्ती हुआ ना मेरे साथ ही कि अरे कर लो कर लो, लेकिन दिल जहाँ रहता है वहीं जाते हैं, जैसे आपके साथ। यू हैव सेफ सिबलिंग्स, यू हैव यंगर सिस्टर, यस यस तो यस उनके साथ वो गलती नहीं होगी. बट मेरे केस में ना, आई आई थिंक माय बिकॉज आई आई वाज ऑन स्टेज एंड आई वाज इन्वॉल्वड इन करिकुलर एक्टिविटीज सिंस चाइल्डहुड, मुझे क्लैरिटी थी कि मुझे एक्टर बनना है, इसलिए मैंने आगे पोस्ट ग्रेजुएशन किया ही नहीं. मैंने सीधा ग्रेजुएशन के बाद जॉब लिया सो दैट आई कुड अर्न एंड मूव टू बॉम्बे. सो ऑफ कोर्स दे वर नेवर श्योर दैट आई एम गोइंग टू टेक दिस अप एज अ करियर, वो एक शॉकर था उनके लिए. बट अल्टीमेटली आई थिंक दे ऑल कम अराउंड एंड वेरी वेरी बीन वेरी सपोर्टिव नाउ. ना, जब आप अपनी लाइफ में ऐसे पीछे मुड़ के देखते हो, मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, मुझे बहुत कुछ याद आता है, लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो ऐसा लगता है कि यार कुछ मैंने पाया है या फिर कुछ मैंने खोया है। दो चीज़ें होती हैं, तो आपने क्या पाया है और क्या आपने खोया है? ओ गॉड प्रिया, तुम तो बहुत भारी सवाल पूछ रही हो मुझसे. आई थिंक देखिए प्रिया, मैं बम्बई आया था 2 सूटकेस के साथ, ठीक है. मैं एयरपोर्ट से निकला बाहर, बैंक के थ्रू ही आया था, 2 सूटकेस के साथ आया था. तो जो भी मैंने आज जहाँ पे भी हूँ मैं, एंड इफ लेट्स से आई हैव योर टाइम हेयर एंड यू आर सिटिंग विद मी एंड टॉकिंग टू मी, दिस इज़ ऑल आई हैव अर्नड, राइट? अदरवाइज उस टाइम पे मैं बैंक में था, कौन जानता था कि एक्टर बनना चाहते हैं. सो आई थिंक इट्स ऑलवेज इट्स ओनली बीन एन एडिशन इन माई लाइफ सिंस द टाइम आई हैव कम टू बॉम्बे 16 ईयर्स बैक. एज अ ह्यूमन बींग, एज एन एक्टर,
आई फील दैट आई हैव ग्रोन अ लॉट एंड वट एवर सक्सेस वट एवर फेलियर आई हैव सीन इट्स ओनली टेकन मी अहेड सो एंड इट्स नॉट ओनली विद माई लाइफ आई थिंक दैट इज वट लाइफ इज चाहे आपकी कह लीजिए या मेरी कह लीजिए किसी की भी कह लीजिए लाइफ इज ऑल अबाउट कुछ पीछे छूट जाता है और कुछ मिलता रहता है एंड अल्टीमेटली यू कम टू अ पॉइंट वेर यू आर सपोज टू बी वाओ वेरी नाइस आप दिल्ली से हैं मेरी पैदाइश दिल्ली की है मैं फरीदाबाद से आप यहाँ पर अकेले रहते हैं मेरे पेरेंट्स आते जाते रहते हैं आते जाते तो कभी ऐसे फील हुआ कि यार लोनली फील हो रहा है अलोन फील हो रहा है कोई चाहिए काफी बार होता है कोई चाहिए काफी बार होता है बट आई मीन वो कोई मतलब दोस्त है मेरे समझ रहे हैं आप मतलब दोस्त है मेरे दोस्त हैं तो मतलब ऐसे फील नहीं होता है नहीं 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 आई मीन आई थिंक आई हैव लर्नड थोड़ा अपने साथ भी रहने की आदत हो जानी चाहिए ना अल्टीमेटली सेल्फ लव यू शुड नॉट सेल्फ लव नहीं बट यू शुड बी कंफर्टेबल विद हु यू आर एंड व्हाट हाउ यू आर ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए लोगों पे वाओ वेरी नाइस आपने टीवी शोज किए हैं आपने ओटीटी आप कर रहे हैं आपने मूवीज किए हैं तो इन तीनों में आपको डिफरेंस क्या देखने के लिए मिलता है जब आप हर काम कर चुके होते हो तो तीनों में डिफरेंस क्या देखने के लिए मिलता है कैसे तीनों का काम होता है यार टीवी काफ़ी अलग है जी स्टोरी टेलिंग में बिकॉज आपको रोज़ एक एपिसोड देना है और द शोज ऑल्सो रन लॉन्गर योर कैरेक्टर्स कैन चेंज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ सो टीवी एज अ मीडियम बहुत अलग है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम है अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करें तो आई थिंक आप बहुत सीख सकते हैं टेलीविजन के ऊपर ओटीटी और फिल्म में मोस्टली टैलेंट कॉमन है बट ओटीटी में अगेन जो कहानी आप फिल्मों में दो घंटे में कहते हैं ओटीटी में आपके पास शायद 8 घंटे होते हैं या कई बार 3 सीजन होते हैं तो कैरेक्टर को जानने के लिए कैरेक्टर को खोजने के लिए काफ़ी वक्त होता है आपके पास बट अदरवाइज एज एन एक्टर जहाँ तक सच्चाई की बात करूँ जहाँ तक कैरेक्टर्स की बात करूँ जहाँ तक क्राफ्ट की बात करूँ ज़्यादा फर्क नहीं है तीनों में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ओटीटी से बहुत लोगों को पहचान मिली है आपको भी मिली है ऑफ कोर्स मतलब वो तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं मेरा करियर इज बिकॉज ऑफ ओटीटी अगर ओटीटी नहीं होता आई डोंट नो वेयर आई वुड बी एज एन एक्टर बिकॉज फिल्म्स यू नो इट्स अ कमर्शियल मीडियम बहुत ज़्यादा कमर्शियल है यू नीड टू बी कमर्शियली वायबल टिल द टाइम यू गेट अ बिग प्रोजेक्ट टेलीविजन बहुत अलग मीडियम है सो मेरा करियर इज बिकॉज ऑफ ओटीटी आई एम वेरी थैंकफुल दिस बोन दैट हैज हैपेंड इन ओटीटी ये इंडस्ट्री में फ्रेंडशिप कैसे होती है अगर मैं आपको एक्टर नहीं कह रही मैं आपको एक जितिन कह रही हूँ और अगर जितिन इंडस्ट्री में आ रहे हैं अपार्ट फ्रॉम एक्टर ना एक्टर की बात ही नहीं हो रही है तो दोस्ती कैसे होती है मतलब कैसे दोस्ती होती है मुझे ये जानना कैसे होती है जिंदगी में दोस्ती कैसे होती है जिंदगी का तो ठीक है लेकिन यहाँ मैंने सुना है कि यार यहाँ पे फायदे वाली दोस्ती होती है जिंदगी में भी फायदे वाली दोस्ती होती है जिंदगी में भी घाटे वाली दोस्ती होती है यहाँ भी वही होता है कुछ अलग नहीं है it is based on who you are and who you connect with and who you want to be friends with agar jaise aap hain aapko waise hi log milte hain mujhe lagta hai to kuch zyada farak nahi hai matlab aisa kuch alag se rules and regulations nahi hai for friendships in our industry mujhe lagta hai ye yahan pe acche log bhi hain of course hai yaar of course hai main acha nahi hu obviously I'm sorry बट या व्हाट आई मीन टू से ऑफ कोर्स हर जगह अच्छे बुरे आई एम श्योर अगर आप एक सवाल पूछ रहे हैं शायद आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग रहा होगा बट हर जगह अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं समटाइम्स इट टेक्स टाइम टू गेट टू द राइट पीपल सो जब आपको बुरे लोग मिल रहे हो आप उनसे लर्निंग लेके उनको ज़रा आगे जाने दीजिए जरूरी नहीं है कि आपको उनके साथ फ्रेंडशिप करनी है इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो सबसे अच्छा दोस्त आपका कौन है जब से आपने स्टार्टिंग की है और अभी तक भाई वो दोस्त वही हो बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके साथ मेरी अच्छी दोस्ती है बट मेरे मतलब क्लोज जिनको मैं कहूँगा एंड आई होप दे ऑल्सो फील द सेम वे तो मेरे डायरेक्टर्स हैं कुछ जो जिन आई मीन यू नो होता क्या ना डायरेक्टर्स एक एक्टर की लाइफ में एक पेरेंट की तरह आते हैं वो आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह जान लेते जी राइट सो उनके साथ ऐसा है कि मतलब दोस्ती रही है और मैं काफ़ी फॉर्चुनेट रहा हूँ डायरेक्टर्स के मामले में सो चाहे वो मेरे पहले डायरेक्टर थे गुरमीत सिंह मैंने कुछ नए डायरेक्टर्स वार्निंग कुछ मैंने नए डायरेक्टर्स के साथ काम किया अनादि
छत्रसाल पे, शुजात सर बम्बई मेरी जान, अभी मैंने काम किया है विशाल के साथ ऑन माँ, सो उनके साथ मेरा रिश्ता ऐसा है दैट आई कैन पिक अप द फोन एंड आई कैन टॉक टू देम, वो दोस्त की तरह है एंड दे हैव सपोर्टेड मी ऑल्सो इन एवरी वे पॉसिबल, यू नो सम यू कैन सपोर्ट समवन, सो उनको मैं कहूँगा हाँ दोस्त, अच्छी दोस्ती है. हमारी बातचीत होती रहती है ऐसी वाली, मेरे साथ तो ऐसा होता है, आप सही कह रहे हो, मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रही हूँ, आपको ऐसा होता है. अच्छा आपने मुंबई मेरी जान में सादिक का किरदार निभाया था और मतलब आप बहुत दूर तक आप आ गए हो, जैसे मैं बहुत दूर तक आप आ गए और लोगों को काफी ज्यादा आपको प्यार मिल रहा है, तो जब पहला कैमरा एक्सपीरियंस था आपका तो वो कैसा था, आप नर्वस थे जब पहली बार आपने कैमरा फेस किया था? मुझे तो अच्छी तरह याद है, मुझे मजा आया था, बहुत एक्साइटेड, दैट वाज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ, ऑनेस्टली मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं. 10 मई 2009 भाई साहब, मैंने एक एड कमर्शियल शूट किया था, ऑडिशन तो मेरा बड़ा लंबा चौड़ा हुआ था, बड़े मतलब स्क्रिप्ट वगैरह थी, बट अल्टीमेटली मैं कास्ट हुआ जो मेन लड़की थी उसके पीछे खड़े होने के लिए. और बट मैं इतना खुश था उस दिन, उस दिन आई एम टेलिंग यू द सन रोज फॉर मी, मुझे लग रहा था कि आज सूरज मेरे लिए उगा है. एंड सेट पे मैं गया, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कॉस्ट्यूम ट्रायल्स हो रहे हैं, यू नो पीपल आर आस्किंग मी, आई हैव अ वैनिटी, एक्चुअली मेरी अकेले की वैनिटी नहीं थी, चार लोग पीछे खड़े थे ना, चार लोग उनकी वैनिटी थी, तो हम, बट मेरे को तो वो भी बहुत वैनिटी तो मिली ना, मतलब मैं वो तो वाला. मुझे पता नहीं था वैनिटी होती क्या है, बट द फैक्ट दैट आई वाज यू नो सिटिंग इन अ वैनिटी, बिकॉज़ यू हैड हर्ड इन इंटरव्यूज ना वैनिटी वैन, वैनिटी वैन्स, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड. एंड कॉस्ट्यूम ट्रायल हुआ एंड मैं तो हर टेक में ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे मेरी एड है, अल्टीमेटली इन द एड प्रिया आई वाज नॉट देयर, एडिट के बाद आई वाज नॉट देयर, बट मैंने किया वो एक्सपीरियंस हुआ मुझे ना, दैट्स वो तो मेरे लिए बहुत मतलब, आई स्टिल रिमेंबर दैट डे हाउ आई फेल्ट, बट आई एम सेइंग दैट इवन इफ आई वाज नॉट देयर ना, आई वाज जस्ट वेरी हैप्पी दैट डे, बिकॉज़ आई वाज एक्चुअली गोइंग टू डू समथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड टू डू, दैट थिंग, वो मैं फील कर पा रही हूं कि जो मैं शायद जो करना चाहती थी आज मैं वो कर रही हूं, और आपको पता है वो फीलिंग, वो फीलिंग भाई आपको दिख रहा ना, मैं स्माइल कर रही हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे भले कुछ नहीं आता हो लेकिन यार मैं कैमरे के सामने हूँ ना तो सब आ जाता है, ऐसा मुझे लगता है. आपको भी शायद, अगर आप मुझे आप एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, आप रिहर्सल कर रहे हो ठीक है, और आपको लग रहा है कि यार अगर मैं कैमरे के सामने हूँ कहीं गलती ना हो जाए, होता है कभी कभी, और आप कैमरे के सामने शायद जितना आप रिहर्सल में कर रहे थे उससे बेहतर आप कर रहे हो कैमरे के सामने, वो हमेशा होता है, मतलब कई बार कैमरे की एक एनर्जी होती है ना, देयर इज एन एनर्जी लाइक एज मच एज इट्स अ मशीन, आई फील दैट कैमरा सेंसेस एवरीथिंग, कैमरा सिर्फ आपको देखता नहीं है, आपके दिमाग को पढ़ लेता है ना, तो कैमरे से आपको बहुत कुछ मिलता है, और अगर आपका याराना हो कैमरे के साथ जो होना चाहिए आई थिंक एक्टर्स का, जो कैमरा फेस करते हैं जर्नलिस्ट वगैरह, अगर आपका अच्छा याराना है तो फिर इट ऑलवेज हेल्प्स. आपने अविनाश तिवारी के साथ जी काम किया है काला में, मुंबई मेरी जान, 4 साल, हाँ 4 साल, कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करके? मुझे लगा, मुझे जहाँ तक मैंने इंटरव्यूज आप लोगों के देखे भाई, और बड़ी गहरी दोस्ती है, किस तरह से काम करते हैं? भाई की तरह है मेरे, मतलब मेरे ऑफ कोर्स 3 साल ही वाज प्लेइंग माय यंगर ब्रदर, आई वाज हिज एल्डर ब्रदर, सो वो इट फ्लोज इनटू योर लाइफ आल्सो, देन सडनली वी वर ऑन काला, आई वाज प्लेइंग अ विलन, ही वाज द हीरो, तो ऑफ कोर्स मतलब वी जोक अबाउट इट, बट ही इज लाइक माय ब्रदर ओनली, एंड we get along very well, and बहुत बहुत अच्छा वक्त साथ बिताया हमने. कोई ऐसा वक्त जो, कोई ऐसी यादगार पल जो आप अभी तक अपने साथ? बहुत है, बम्बई मेरी जान पे तो बहुत, एक बात एक जानना है, एक मतलब ऐसे बम्बई मेरी जान की नहीं है, मैं बेसिकली बम्बई मेरी जान खत्म हुआ था, एंड देयर वी आर प्लेइंग ब्रदर्स राइट, हम दोनों भाई हैं, मोस्टली साथ ही हैं वहाँ पे, काला में सडनली आई एम प्लेइंग अ वुमन, एंड आई एम प्लेइंग अ ट्रांसजेंडर, एंड आई एम प्लेइंग अ विलन, so one day I decided I'll dress up as a woman pura apne kirdar mein and I'll enter his vanity. You should have seen his face then. I think he got a shock of his life. I will never forget his face. We were shooting on the same day at the same location, and I dressed up as a woman and I entered his vanity and I spoke to him like that. He was gobsmacked. वैसे कितना different difficult रहा आपके लिए ट्रांसजेंडर की भूमिका निभाना पर्दे के सामने, क्या कुछ आपने उससे सीखा है?
और कितना डिफरेंट रहा, डिफिकल्ट रहा सॉरी आपके लिए? मेरे लिए एक किरदार में अपने आप को यू नो अपना पैरेलल ढूंढना बहुत ज़रूरी है. मतलब अगर मैं कुछ इफ़ आई थिंक आई वॉन्ट टू डू समथिंग और आई कैन डू समथिंग, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट इज़ देयर समथिंग अबाउट मी ऑल्सो इन दैट कैरेक्टर. और जब ये रोल्स मेरे लाइफ में आए ना, उस टाइम पे आई वॉज रियली स्ट्रगलिंग टू बी सीन, टू बी एक्नॉलेज्ड एज एन एक्टर. खैर वो स्ट्रगल चलता रहता है, बट एक पॉइंट था वेर आई रियली वॉन्टेड टू डू गुड वर्क बट इट वॉज नॉट हैपनिंग, यू नो. एंड आई थिंक दैट वॉज अ स्ट्रगल दैट आई रिलेटेड अ लॉट इन दैट रोल, बिकॉज वो रोल, वो इंसान, वो ट्रांसजेंडर का वही था दैट शी डजंट नो दैट यू नो ए हु शी रियली इज एंड बी हाउ द वर्ल्ड सीज हर. यू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वर्ल्ड सीइंग अस एज वी आर, वो सब हम सबका आई थिंक दैट्स आर बेसिक ह्यूमन स्ट्रगल. सो दैट वॉज समथिंग दैट रियली अट्रैक्टेड मी टू द पार्ट. और उसके बाद तो तैयारी, मतलब इट वॉज अ प्रोसेस. स्क्रिप्ट में काफ़ी कुछ था, इट वॉज अ ग्रेट आर्क ऑफ अ कैरेक्टर. राइटर्स ने मतलब द काइंड ऑफ चैलेंजेस दे थ्रू इन द स्क्रिप्ट फॉर दैट कैरेक्टर वर अमेजिंग. एंड एज एन एक्टर आई थिंक इट जस्ट हैपन टू मी एट द राइट टाइम. आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, डूइंग समथिंग लाइक दैट. अभी तक की जर्नी में आपने क्या देखा कि यार इस इंडस्ट्री में रहने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात क्या है, चीज़ क्या है कि आपको इस इंडस्ट्री में, जो कई लोग आज मैं देख रही हूँ अनिल कपूर जो 42 ईयर प्लस से आज है वहाँ यहाँ पर, तो जब ऐसे ऐसे लोग इतने टाइम तक रहते हैं इस इंडस्ट्री में और उसी, मतलब कहते हैं एकदम उसी एनर्जी के साथ, कि तो एक क्या बात होती है, क्या खास बात होती है जो आपको इस इंडस्ट्री में टिकाई रहती है? वही जो आपने बोला अभी कि उसी एनर्जी के साथ, कि पहले दिन जैसा एनर्जी था 42 ईयर्स बाद भी वही एनर्जी होना चाहिए. दैट इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज वर्क. रेस्ट ऑफ कोर्स थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग, इंडस्ट्रीज कीप ऑन चेंजिंग, टाइम्स कीप ऑन चेंजिंग, यू हैव टू अडैप्ट टू देम. बट व्हाट इज वन थिंग दैट विल ऑलवेज बी फैशनेबल इज हार्ड वर्क एंड जस्ट पुटिंग योर हेड डाउन एंड वर्किंग. रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग की इस दुनिया में आप किस तरह का प्यार करना चाहते हो? गॉड प्रिया, तुमने बहुत भारी भरकम सवाल पूछ रहे हो. आई थिंक इट विल डिपेंड ऑन द गर्ल. मतलब उनके लिए मैं ग्रीन फ्लैग होना चाहिए, मुझे क्या मतलब. एक आपका भी होता है ना कि भाई मुझे ऐसा बनना है, और कहते हैं कि खुद को आप अगर अपने पार्टनर के बारे में, दोस्त या पार्टनर जो भी है, आप सोच रहे हो कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप कैसे हो? मैं बनना ग्रीन फ्लैग चाहता हूँ, बट वो आपको लड़कियों से पूछना पड़ेगा ना मैं हूँ क्या. आई डोंट नो इफ आई एम रेड फ्लैग फॉर देम. मुझे लगता है ग्रीन फ्लैग. थैंक यू, बट हाँ मेरा बनना तो मैं आई वुड वांट टू बी अ ग्रीन फ्लैग ओनली. लेकिन आपके लिए प्यार के क्या मायने हैं, किस तरह का प्यार आप अपने जीवन में लाना चाहते हो, देखते हो किस तरह? आई थिंक जैसा भी प्यार हो, रिस्पेक्ट अगर है तो आई थिंक यू कैन सेल थ्रू एनीथिंग. रिस्पेक्ट फॉर मी एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर इज वन थिंग आई वुड से इज नॉन नेगोशिएबल फॉर मी इन लव. And it can be any kind of love, not just between a girlfriend and a boyfriend or a husband or a wife. I think the one thing that keeps you sailing in a relationship, whether it's your parents, whether it's your brother, sisters, siblings or friendship, ek basic respect or likability agar aapko hai, to aap you can sail through anything. Kabhi jhagda maar pit hua? Of course. Kabhi life mein? Kyun nahi hua? मतलब मैं दिल्ली से हूँ. तो जानना है मुझे, फिर तो मुझे जानना है. मैं बिना पूछे आप बताएंगे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ऐसे मैं कोई एक इंसिडेंट नहीं, कॉलेज में मतलब बताइए ना, एक एक यादगार ताजा हो जाएंगे आपकी यादें. कुछ नहीं, मैं हमारा फेस्टिवल चल रहा था उस टाइम पे काफी लड़ाई हुई थी. मैंने तो किसी से कुछ ले लिया था, फिर आई थिंक कुछ भूल गया था, तो बस झगड़ा उसी बात पे, फिर काफी मारपीट हो गई. मारपीट लगता है इन्हें देख के कि मारपीट करेंगे किसी से. मैं सुधर गया हूँ. इतने अच्छे इंसान किसी को मारेंगे. सुधर गया हूँ मैं. खून खराबा भी हुआ था. आप शक्ल पे मत जाइए. अच्छा लास्टली, आपने बहुत सारे सीरीज तो किए हैं, लेकिन एक सीरीज के बारे में ना बड़ी चर्चाएं चल रही हैं, उसके 3 सीजंस तो आ चुके लेकिन चौथा नहीं आया, इनसाइड एज का. हाल फिलहाल में मैंने अमित सियाल जी से बात की थी, उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं, वो मैं नहीं बताऊंगी, मैं आपसे पूछ रही हूँ. हम भी वेट कर रहे हैं, मतलब अगर वो हो जाए तो बहुत अच्छा है.
कहीं ना कहीं कहानी पूरी नहीं हुई थी हमारे लिए तो. सो अगर हो जाएगा बट आई थिंक दैट हमारे लिए भी तो डिपेंड्स. नहीं हुई थी ना. हाँ सो बस वही है, ऑडियंस भी कई बार ही पूछते रहते हैं इंस्टाग्राम पे कि इनसाइड एज का सीजन 4 आएगा, बट आई थिंक दैट्स ऑन द प्रोड्यूसर्स एंड द प्लेटफॉर्म्स देन टू डिसाइड. बट अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है. इट्स वन ऑफ माई फेवरेट जॉब्स दैट आई डिड एंड विद अगेन यू नो वर्क गॉट टू वर्क विद अ लॉट ऑफ गुड पीपल. मतलब आपको भी मुझे भी नहीं खबर पता. नहीं है. ना ना मुझे अब मैं बताऊं, अमित सियाल जी ने भी मुझे सेम आंसर किया था. बिकॉज मैं नहीं, मैंने ये सच है, अभी हमें नहीं पता है. नहीं पता है. तो लास्टली अपने फैंस को आप क्या बोलना चाहेंगे जो इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं आपको, सीए टॉपर में भी काफी ज्यादा प्यार मिला है. बस उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, ऑल योर लव. आई कैन प्रॉमिस दैट यू नो आई विल नेवर टेक दिस लव फॉर ग्रांटेड एंड आई कीप ऑन वर्किंग हार्ड एंड कीप ऑन मेकिंग ऑल द टाइम एंड यू नो एनर्जी दैट यू गिव टू अस एक्टर्स वर्थ योर वाइल. थैंक यू सो मच. इस इंटरव्यू के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये लास्ट बहुत क्वेश्चन है. बहुत भारी भरकम सवाल पूछे, मुझे आपने सोचने पे मजबूर कर दिया है. बट थैंक यू सो मच, इट वॉज अ प्लेजर एंड आई होप दैट यू नो यू आर ऑन अ जर्नी वेयर यू वॉन्टेड टू डू समथिंग और आप वो कर यस. रहे हैं. आई होप यू रीच योर हाईएस्ट लेवल. शायद मैंने ऐसा पहला इंटरव्यू है जिसको मैंने सच में बताया है कि भाई ऐसा ऐसा था मेरे साथ. नहीं आई आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विश दैट यू रीच वेयर एवर यू वॉन्ट टू रीच एंड मच मोर. थैंक यू सो मच. थैंक यू हमसे थैंक यू बात प्रिया. करने के प्लेजर लिए. थैंक यू. प्लेजर.